ब्रेड कहाँ पकड़ रही हूँ गुड मॉर्निंग गाइज एंड आज मैं अपने घर आ रही थी मायके और अभी नाश्ता हमारा हो गया था बट मुझे फिर से भूख लगी थी तो ये मलाई और केचप डाल के मैं ब्रेड खा रही हूँ ब्राउन ब्रेड देखो मैंने बाबू है देखे तो है अंगड़ाई आदि से इसका क्या करोगे हाँ अरे मैं दादी कुछ नहीं करती क्या हुआ तो है, ग्रीन सेम वही ना उसका कलर फेड हो गया वो हल्दी लगी तो मैं वो हम यूजुअली करते हैं सर वो वाला करते हैं ये तो काटता है तू कटवा देना थोड़ा सा प्लीज अभी ना दीपू टीवी देख रही है और मेरा जो फोन है ना ये ना कनेक्ट हो चुका है टीवी से और उसको कोई आइडिया नहीं है देखो मैं गाने बदलती हूँ नानी अपना बदल रहा है वीडियो देखेगी ना उसे पता चलेगा तब फोन करके मुझे बोलेगी दादी दादी बोलती मुझे प्यार से अभी मैंने जाते बोलते क्या कर रही है क्या कर रही है ये अपना आप बदल रहा है क्या अभी बदलेगा अपना थोड़ी बदलता है तू बदल रही है कहाँ बदला अभी रुक जा थोड़े मुझे तो नहीं दिख रहा दीपू कह रही है अपना आप टीवी बदल रहा है ना कहाँ बदल रहा है अभी रुक जा टाइम हो गया है 12:58 तो ना रिमोट तो ना है टीम में भूत घुस गया दीपू ये तो बटन बंद हुआ है ये हो गया 12:59 देखना खुद देखो आवाज देख के बंद हो गया देखो टीवी खराब हो गया बंद कर दे दीपू भैया गुस्सा करेगा मुझे लगा इरिटेट हो गया इसको तो मजा आ रहा है फिर से करते इसको सुनने नहीं देती म्यूजिक ना पॉज करती हूँ कह रही नानी देखो मैंने रिमोट यहाँ रखा नानी को लग रहा दीपू छुप छुप के कर रही है कभी मैंने रिमोट यहाँ रखा है देखो अपने आप हो रहा है क्या बना रहे हो मम्मी मिर्च का सर मिर्च का अच्छा हमें मिर्च क्या क्या डाला हमने इसमें इसमें मैंने डाला है साबुत धनिया जीरा सौंफ मेथी दाना और कलौंजी बस नमक मिर्च काला नमक सादा नमक और यह विनेगर विनेगर से ना अचार खराब नहीं होता अच्छा विनेगर कौन सा नॉर्मल वाला जो ये विनेगर यूज होता है ना विनेगर विनेगर ये मतलब इधर नींबू का रस भी डाल सकते पर विनेगर से जो सालों साल अचार अच्छा रहता है सड़ता नहीं खराब नहीं होता यहाँ पे गाजर का भी बना रहे हैं न्यू स्टाइल में देखो दूध के साथ पकाएंगे फिर इसको मैश कर देंगे मतलब वो कद्दूकस नहीं करा पता नहीं मैंने पहली बार देखा भाभी बना रही है दूसरी बार बना रही है वो ये पहले अच्छा बना था बहुत टेस्टी बना था तो रेसिपी भी तो दिखाई अपने ऐसे ही दिखाई रेसिपी हमने कद्दू का वाला बनाया था जो वो रेसिपी में दिखाया था पर एक बार हमने जब सिवान से एक महीने का हुआ था ना तब बनाया था हमने ऐसे ये मसाला हमने ना भुना है पहले तवे में दरदरा पीसा है उनके क्योंकि सही रहता है ना पीसा जाता मतलब पीसा है सिलबट्टे में तो पीस सकते मिक्सी जार में या सिलबट्टे में जैसा तुम्हें सही लगे वैसे पीस वहाँ पे फिर मम्मी इसका आमले का भी बनाएगी
आंवले का अचार, आंवला मैंने बॉयल कर रखा है, मतलब पानी में डाल के नहीं, जैसे पानी में नहीं, प्रेशर कुकर में एक गिलास पानी रख के उसमें कोई बर्तन जो आ जाए उसमें डाल के, अच्छा स्टीम करके जैसे कुछ पानी में डायरेक्ट नहीं उबाला, इसके जो सांचे खुल जाते हैं ना, सांचे क्या होते हैं, अच्छा ये अलग अलग हो जाता है, ऐसे सांचे नहीं बने रहते आंवले में, कर दिया ऐसे सीधे सीधे डालते हैं ना, तो ये गरम तेल डाल रही हूँ मैं, मतलब हल्का ठंडा हो गया, ठंडा करके डालना है, ऐसा लग देंगे धूप में, धूप 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 धूप, यहाँ पे रख दू ना, गिराएंगे नहीं कबूतर, नहीं कबूतरों को मैंने बोल रखा है डोंट टच माय अचार। तो अभी हम जा रहे हैं लेडीज पार्टी में, भाभी नहीं है, भाभी ना छोटू है घर पे इसलिए नहीं आई है, तो हम जा रहे हैं डोमिनोज एंड हमारे मतलब नियर बाई डोमिनोज खुला है वहाँ पे, और हमने बाबू का आज तीसरा महीना कंप्लीट हो गया तो उसके लिए सोचे कुछ ले लेंगे, बहुत टाइम बाद में फिर से मम्मी और दीपू के साथ बाहर जा रही हूँ, रिक्शे में हम बैठ गए हैं, पहुंच गया हूँ लेकिन मुझे लग नहीं रहा बैठ के खाने का, एक बार पूछ लेती हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ टेक अवे है, डाइनिंग तो है ही नहीं, तो अभी हमें दूसरा रिक्शा करना पड़ेगा, यार मिल रहा है, अच्छा वो मिल रहा है, हम मिल रिक्शा मिलते नहीं है, आ जा यहाँ पे नहीं बैठते सर, कब ओपन करते हैं ठीक है, ये टाको नॉन वेज टाको जो कि हमने खाते हैं, चीज डस्ट मार्गरेटा विद अनियन एंड टमाटो टॉपिंग्स, गरम है पिज्जा खाने की वजह ना ऐसे डोमिनोज में ही है, अभी दूसरा दो दूसरा क्या बनाया हमने, ये है सेम है मार्गरेटा विद चीज डस्ट, हाँ इसमें वो है कैप्सिकम की टॉपिंग है, दो अलग अलग टॉपिंग, और एक पैक भी कराया हमने सेम, उसमें हमने कॉर्न की टॉपिंग ऐड कराई है क्योंकि भाभी कॉर्न वाला ही खाती है, इधर दे दो मां, इधर रखना, इसको उधर कर लो, इसमें रख दो, क्या है इसके अंदर, नहीं नॉन वेज खाओगे, चिकन है तो हमारे चीज पुल कभी इस जमाने में जन्म में नहीं आने वाला, कितना गर्म है ना है, टेस्ट का पता कैसा, चिली फ्लेक्स इसने सिर्फ कॉर्नर में नहीं बीच बीच में डाला है, कैसा हो रहा है गरम गरम ना, बहुत मज़ा आता है, मैं खाती हूँ, मैंने रख दिया, कैसा हो रहा नानी, कैसा हो रहा है अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे, कहीं आप भी खा लो, हाँ मैं बोली क्या टपक रहा है इसका, और टपक रहा है जूस मेरी बड़ी ये
गिर गई। लास्ट पीस दीपू कितने खाए तूने? हाँ तो हमने पिज्जा खा के निकल गए, हम जा रहे पैदल क्योंकि वॉक करना जरूरी है दीपू का दीपू को हम सब कोई वॉक करना जरूरी है। तो खा के करीबन यहाँ पे होगा 3 किलोमीटर होगा हमारे घर से दूर, तो 3 किलोमीटर वॉक हो जाएगी मेरे। अच्छा है तो मैं थोड़ी शॉपिंग भी करनी घर के पास, तो दीपू कह रही वहाँ तक रिक्शे में चलो, बट हम पैदल ही जाने वाले। नानी आप कौन सी खाओगे? बर्फ वाली? बर्फ वाली एक दूध वाले दे देना जिसके अंदर दूध होता है ना, बाहर महंगा होती है। ये लो नानी चम्मच दे देना। हाँ दे 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 ना, यही वाले दे दो ना। मेरी सिंपल है मैंगो और दूध वाली, मम्मी खिला दी खाओ नानी भी नहीं ठंडा लग रहा है इधर गाड़ी आ रही नानी खा के दिखा रही तक मम्मी के दांत बाव सब सलामत है अंडा हो गया हाँ? देखो इसको देखो ए, ए, ए। अपने पास में सबसे महंगी चॉकलेट ली है दीपू ने ब्लैक फॉरेस्ट, फिर भी इसको दूसरा की खाने मेरी भी मांगेगी पक्का महंगा वाली। पहले हम डोमिनोज से कुछ लेने वाले थे पर फिर हमारा आइसक्रीम खाने का मन किया तो हमें आइसक्रीम खाएंगे बाद में। दीपू कैसे हो रही है? एक ना दीपू मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने कभी अपलोड ही नहीं करी, हमने आइसक्रीम चैलेंज किया था। हाँ फर्स्ट वीडियो थी हम दोनों ने जो चैलेंज किया था, हाँ आइसक्रीम चैलेंज था वो। कैसी होती है चॉकलेट वाली आइसक्रीम? कड़वी, इतनी कड़वी थी ना इसको कड़वी लग रही, मैं कहती खाओ खाओ वीडियो में चैलेंज पूरा करना मेरे को। और अपन इतनी महंगी महंगी थी, मतलब 120-130 रुपये वाली चॉकलेट वाली आइसक्रीम थी, मुझे नाम भी याद नहीं कौन सी थी। एक एक आइसक्रीम मैं महंगी लाई थी कि चलो ठीक है अच्छा लगेगा पहली बार, लेकिन इतनी कड़वी मतलब डार्क चॉकलेट थी वो, और हमें डार्क चॉकलेट अच्छी नहीं लगती और हम लोगों ने कभी खाई नहीं थी डार्क चॉकलेट गलती से मैं ले आई भाई, मैंने वो डाली ही नहीं, एक तो गल गई थी, हमने गर्मियों में चैलेंज किया था वो है ना, वो भी दीपो मैंने खा ली थी, मुझे याद नहीं कौन जीता था, मैं जीतूंगी वैसे पर मुझे याद आ गया। अदला बदली हो रही है चप्पलों की, सैंडल वर्सेस जूते, सैंडल लेके जूते, दीपू के पाँव में दर्द हो गया अभी बदलो फिर फुल बाजू कर लो गर्म थी ठंडा थी। अरे फुल बाजू थी ऐसे सॉफ्ट कपड़े में ना। तो गाइस दीदी मुझे इतने याद करी कि मुझे सिखा रही है। हाँ हाँ ये बोलना था, कह रही मुझे वीडियो में कुछ बोलना है पानी भी भरने के लिए। तो गाइस ये मेरे लिए ले गए। हाँ हाँ भाई गिव मी। दीपू का ढीला हो गया। मंजू के भी है। तो गाइस मैं इसके लिए से बस देख रही हूँ। हमने ले लिया सामान, तो अब बस टेलर को नाप देने रह गए, फिर जाएंगे हम सीधा घर। पहुँच गए हम घर। अब तो अब जाके दीपू दिखाएगी, मैं ड्रेस दिखाएगी ऊपर जाके, ठीक है? अभी दिखाएं। ये रहा बाबू का। अरे मम्मी लाई हमारा बाबू। गंजू 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 दे, गंजू दिखा के दे, कास्ते की गंजू उतना उतना ही बोलेगी। अच्छा सॉरी 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 सॉरी। अच्छा वो ऐसे गोल गोल। हाँ फ्रॉक वाला दीपू लाई, जैसे मेरे पास पिंक कलर का सही है। इनमें डोरी हो रही नहीं है, डोरी बहुत बेकार होती है, अच्छा लग रहा है ना, कलर बड़ा सुंदर लगता है ये स्काई ब्लू। ये दीपू लाई मैंने। नाले अभी बाबू को नाले नहीं, नाले 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 हो गया हो गया हो गया हो गया, देख करेंगे हो गया हो गया। तो हमने खाना वगैरह खा लिया है, बस अब सोने की तैयारी हो रही है, बस जस्ट अपनी मेडिसिन ले रही हूँ मिंकी के साथ, फिर सब सो जाएंगे। एक मिनट मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।